हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो पेल वर्ल्ड। और जैसा कि आप सभी को याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने बनाया था एक और फार्म जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद मैं ऑफलाइन कुछ जगह पे ऐसे घूमने निकल गया था जहाँ पे मुझे मिला एक लकी रॉबिन क्विल और उसको मैंने पकड़ लिया। तो आज के एपिसोड में अपन इस रॉबिन क्विल को यूज करने वाले हैं क्योंकि ये 33 लेवल का है और आज अपन कई सारे बॉस पेल्स पकड़ने वाले हैं। सो लेट्स गो। और गाइस, मैंने ऑफलाइन बहुत सारा काम करके बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे कि मैप में कई जगह घूमा मैं। ये देखो, ये इतनी दूर में जाके आया था, एक तो ये और एक शायद ये, जहाँ पे अपने को कई नए पाल बॉस मिले। एक ही एलिजाबी बॉस वाली और एक ही नाइट विंग भी अपने को बॉस वाला मिल गया है। और मैंने कई जगह मार्क लगाए, देखो एक लोकेशन ये, एक ये और एक ये। ये मैंने इसलिए मार्क करे थे क्योंकि इस जगह पे भी ओर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे कि ये जो अपन ने ओर माइनिंग बेस बनाया, यहाँ पे सिर्फ 6 ओर्स थे या फिर 6 या 7 ओर्स थे मेरे तक, बट वहां पे चारकोल का था, मतलब ऐसा सेम टू सेम। तो अपन चाहे तो बाद में वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं अपने इस बेस को, जिससे कि अपने को ओर और चारकोल दोनों मिलेगा। बट बस वो मैंने मार्क कर रखा है, ये बाद में कभी अगर अपने को जरूरत पड़ी तो करेंगे। क्योंकि ये देखो तुम, यहां से अपने को कम मिल चुका है। मैंने 700 देखा था लास्ट टाइम, अभी 900 कैसे इसके अंदर। अपन इस 900 को ले जाते हैं यहां से और रख देते हैं यहां पे इंगट बनाने में। बट मैंने सोचा था कि इंगट बनाने वाला अपन वहीं पे रख दें क्योंकि वहां पे जो टॉर्टोइज है वो काम कर देगा, क्योंकि वहां पे जब ओर्स खत्म हो जाते हैं ना तो वो सारे ऐसे ही घूमते रहते हैं। और हाँ, एक और चीज बताना तो मैं भूल ही गया, वहां पे मैंने सारी अनुबीज लगा दी हैं, मेरे को और बनानी है। मैंने बहुत सारी बनाने में देखो 518 अपन इंगट्स बना सकते हैं। नाइस गाइस, ये बन जाएंगे थोड़ी देर में। और मैं एक सेकंड, ये चीज मैं दिखाना भूल गया, 2 मिनट को वापस जाके आता हूं मैं। यहां पे मैंने सारी की सारी अनुबीज लगा दी है, ये देखो। बस ये कुछ और बच रही है, इसको मैं यही रखूंगा क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि फर्नेस यही लगा दे और यही की यही अपन इंगट बना के वहां लेके जाए। तो और बाकी मैं खाना इनको डालता रहता हूं। देखो खाना खत्म हो गया भाई। ओके, मैंने और डाल दिया, 38 बहुत रहेगा। बाकी ये देखो, इस तरीके से जब खाली हो जाता है ना तो ये लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ फर्नेस वगैरह बना दूं, तो थोड़ा बहुत काम वो भी कर लेंगे, ज्यादा तो नहीं क्योंकि फिर जैसी ओर आ जाता है वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई काम जो ओर से रिलेटेड हो वो अपन यहाँ पे बना देंगे। तो अभी चलते अपने बेस पे और मैं दिखाने वाला हूँ तुमको बहुत अच्छे अच्छे एग्स जो कि मैं लाया था एक्सप्लोरिंग के टाइम पे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, बस बाकी सारे 10-10 वेट के हैं, मतलब सारे कॉमन होंगे। अनकॉमन, ओके इसमें से ये, हाँ ये भी अनकॉमन है। गाइस अभी मेरे पास इतने अंडे अनकॉमन, क्या इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। तो सबसे पहले अपन डालते हैं सबसे बड़ा ह्यूज क्रॉचिंग एग, तो इसको खोल के देखते हैं क्या मिलेगा। गाइस इस रूबी मिली है इसमें से, भाई रूबी पहले भी थी मेरे पास, ठीक है। अब अपन लार्ज क्रॉचिंग एग डाल के देखते हैं। ओके इससे कुछ तो नया मिला है, चमकीला चमकीला। एक सेकंड, कहां पे गाइस, ये रहा वो। और ये क्या है, ओके घोड़ा है ये किसी तरीके का, तो नाम क्या है, रुकना भाई एक जगह पे, ये काम क्या कर रहा है। गाइस ये फायर टाइप है लेकिन ये ऐसा क्यों है, ब्लू किटसन नाम है इसका। बाकी इसके लेवल देखो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, ये जितने जितने काम कर रही है वैसे वैसे इसकी लेवल भी बढ़ रही है। तो बढ़िया, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, लेवल भी बढ़ती रहेगी। और इसका अटैक 151 का है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक कोई तो पेट निकला है, बस नया निकला है। अभी अपन रखते हैं लार्ज डार्क एग जिसमें से निकला है ये, अपना अपने पास पहले भी था, छोड़ो। अभी ह्यूज डंप एग जिससे, अरे यार क्या निकल रहा भाई, लार्ज फ्रोगन फ्रोजन एग। ओके एक और कोई तो नया पेट निकला ये। और गाइस ये रहा वो रॉबिन क्विल लकी वाला, ये देखो मैं दिखाता हूँ एक सेकंड रुको। ये देखो गाइस यहाँ पे जो कोने में इधर की साइड, अच्छा मेरा फेस आ रहा होगा, इधर साइड में जो चमकीले चमकीले डॉट आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो ये चमकीले चमकीले डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपना लकी वाला रॉबिन क्विल है। और ये 33 लेवल का है गाइस, मेरे पास रखा है इसलिए 28 का दिखा रहा है। बाकी ये देखो ऊपर कोने में 33 लेवल का ये मैंने पकड़ के लाया था। बाकी एक जो पेट है ये कैसा है इसको देखते हैं गाइस। वो बहुत बड़ा है भाई, पेड़ काटता है, आइस टाइप है ये, अटैक 137 का, डिफेंस ओके 5 लेवल का है, बट ज्यादा कुछ है भी नहीं। इसकी कूलिंग लेकिन 3 है गाइस। ओके इसको काम करने देते हैं जब तक अपन और एग्स डालते हैं। अब अपने पास है लार्ज फ्रोजन एग, कुछ अच्छा मिल जाएगा। गाइस ये टॉर्टोइज मिला अपने को कोई तो दूसरा कंपनी का, एक सेकंड किधर है। ओके गाइस ये देखो तुम, ओ भाई ये ज्यादा मस्त है, क्या जबरदस्त है। और ये करेगा क्या, ये देखो इसको, देखो इसको, ये अभी साइज में बड़ा इसलिए क्योंकि इसकी लेवल बहुत है, उसकी लेवल नहीं है इतनी। और कोई आसपास चमकीला पेट है क्या, क्योंकि आवाज आ रही है। गाइस लकी पेट है कोई तो आसपास, ये देखो गाइस कैटिवा, लकी कैटिवा मिल गया अपने को। इसको यार अपने को हाथ से मारना पड़ेगा, अरे शिट 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 शिट, रुको गाइस इसको इससे लड़ाते हैं, ये छोटा मोटा आदमी है। ओ इसके पास फायर की एक्स्ट्रा एबिलिटी है, ये जितने भी लकी पास होते हैं उनके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज होती है, बस इतना अंतर होता है। इसको थोड़ा बहुत पिटवाते हैं, बाकी तो यार ये ऐसे ही आ जाएगा, छोड़ना राजा वैसे ही आ जाएगा, इतनी सारी बॉल है मेरे पास। अबे यार आ जा ना भाई, ओरे ओरे, अबे छोटू मास्टर आ गया भाई, आ जाएगा
आ जाएगा। अबे हट जाना भाई। ओके गाइस, अपन ने एक लकी कैटिवा पकड़ लिया है। रॉबिन क्विल का साइज देखो तुम, जितने भी लकी होते हैं वो उन सबका साइज बड़ा होता है। अच्छा अपन पैट देख रहे थे ना, अपने पैट देख लिए। ओके एक अपने पास ही आया। अच्छा इसकी एबिलिटीज क्या है ये तो देखी नहीं। ये आइस टाइप है और ग्राउंड है। इसका अटैक भी बहुत सही है और बाकी इसकी माइनिंग भी 3 है और कूलिंग भी 3 है। अभी एक लास्ट एग रखते हैं। लार्ज कॉमन एग है, कॉमन है बट लार्ज है, देखते हैं क्या मिलेगा। ओके ये मेरे को पेट मिल चुका था जिसको मैं पकड़ना रह गया था, मतलब हाँ मैं पकड़ रहा था उनको बट मेरी नाइट विंग ने उनको नीचे गिरा दिया था। शायद ये वही पेट है। हाँ ये पेट भी मेरे को मिला था, मैं पकड़ सकता था बट हाँ मेरे पास था नहीं, नया पेट एक तरीके से। बट देखा ये मेरे को पता है कहाँ मिलेगा। ओके इसकी एबिलिटी देखते हैं अपन। ये है न्यूट्रल है, ये अटैक अच्छा है, बाकी डिफेंस अच्छा है, ठीक है ठीक ठाक पेट है। तो गाइस अभी मैंने सारी चीजें खोल ली है जितनी मैंने लाल आके रखी थी और यहाँ पे स्फीयर्स बनाने रख के गया था मैं। एक सेकंड यार, एक तो पाल्स वगैरह अंदर डाल देते हैं। अच्छा 44 आ गई ना मेरे पास, 44 तो नहीं थी मेरे पास। एक एग इसमें भी रखा है, लार्ज फ्रोजन एग, इसको उठाते हैं। इसमें क्या मिलेगा देखते हैं। ये मेरे पास है, ये है नहीं, है नहीं क्या, ये न्यू पैट अनलॉक हुआ है क्या, ये सिब्लेक्स, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस ये है मेरे पास, क्या पता गाइस। अगर है नहीं तब भी इसकी एबिलिटी देख लेते हैं। आइस टाइप है, 180 का डैमेज, बाकी हाँ ठीक है नॉर्मल पाल है। अभी रात हो गई है, मैं जा रहा हूँ सोने, उसके बाद मैं लड़ने वाला हूँ। अरे अंधेरा कर दिया भाई, रुक जाओ मेरे को बताने तो दो। मैं लड़ने वाला हूँ, किससे लड़ूंगा ये बताओ मेरे को। मैं कुछ मतलब कुछ कंफर्म नहीं हूँ कि किनसे लड़ूंगा। इसका मेरे को रास्ता पता है, मैंने देखा था नेट पे, यहाँ से जाना होता है पानी के रास्ते से। और ये 45 लेवल का, इससे लड़ना सही रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो गाइस जो पास पास में है ना उसको पकड़ लेते हैं पहले। तो डन, सबसे पहले मैं एलिजा बी को पकड़ने जा रहा हूँ और अपन पाल वाल वगैरह सेट कर लेते हैं अपनी पूरी पार्टी में। मैं लेके जाने वाला हूँ सबसे पहला अपना रॉबिन क्विल। ओ गाइस मेरी 29 लेवल हो गई है, मेरे को टेक्नोलॉजी में देखने दो क्या क्या खुल गया। हैंड गन आ गई है गाइस, इसको अनलॉक करना बनता है। इसको अनलॉक करते हैं, इसकी एमओ को अनलॉक करते हैं। डिफेंस वॉल क्या काम आएगी बाद में देखी जाएगी, डिफेंस वॉल क्या काम आएगी। मैं एक अगर ये अभी बन सकती है तो ये मैं बनवा देता हूँ। नहीं मैं सिर्फ नहीं। ओके ये रही हैंड गन और इसका 250 का अटैक है, इसका 320 का अटैक है। ये ज्यादा अच्छी और पहले की खुली हुई, बट इसमें अंतर क्या है, इसकी रिलोड स्पीड कम होगी शायद क्योंकि हैंड गन एमओ, हैंड गन है अच्छी, ये होनी चाहिए शायद। कैसे अपन हैंड गन बनवा रहे हैं, बाकी अपन बनवा तो ये भी सकते हैं, कैसे दोनों बनवा रहे हैं। रुक जाओ एक ये बनवा देता हूं मैं, ब्रो बनाइयो जल्दी जल्दी, मैं भी हेल्प करा देता हूं। जब तक अपन खाना खा लेते हैं, खाने की भी कमी हो गई है भाई क्योंकि मैंने दो बेस बना दिए तो मेरे को दोनों जगह खाना सप्लाई करना पड़ता है एक ही जगह से। और ये भी बढ़ा लेते हैं अपन, एक ये वाली गन और बनवा देते हैं। एक गन मैंने बना ली है, उसको पहले यूज करके देखता हूँ। रुको इसको टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर 6 गोलियां आती हैं इसके अंदर। ओके लगातार मैं मार सकता हूँ 1 2 3 करके। अभी मुझे देखना है इसकी पहले तो एमओ कहाँ मिलेगी। हैंड गन को टेस्ट करते हैं, ये आ गई मेरे हाथ में हैंड गन। अब एक हैंड गन से भी मार के देख लेते हैं, मारते हैं इस बारी। अरे ब्रो मत कर यार, गन दोनों ही अच्छी है बस एमओ की दिक्कत है। मुझे ये नहीं पता है कि एमओ कहाँ मिलेगी, जो दूसरी वाली गन है शायद मुझे टेक्नोलॉजी में से अनलॉक करनी चाहिए। ओके ये वो गन है बट इसकी एमओ, अच्छा वही एमओ डलेगी जो मस्केट में डलती थी ये वाली। अगर मेरे पास एमओ पड़ी होगी थोड़ी बहुत तो एमओ ही ले जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब गन पाउडर तो कहाँ इकट्ठा करने बैठूंगा मैं। हैंड गन एमओ मिल गई मेरे को 15, ठीक है मैं अपनी पार्टी सेट करता हूँ फटाफट से। एक रखेंगे ये, एक रखते हैं ये। ओके अभी के लिए मैंने अपनी पाल टीम सेट कर ली है, जो भी है यही ठीक है। बाकी मैं अपना बैकपैक खाली करा देता हूँ, बाकी गन एमओ है सब है। दो फ्रूट्स हैं, इसको खिला देते हैं रॉबिन क्विल को। ओके स्टोन ब्लास्ट आ गया और ये है सैंड ब्लास्ट, ये भी खिला देते हैं। अब भी अगर कुछ स्फीयर्स नहीं बन सकती हैं, गीगा स्फीयर बन जाएंगी 50, तो फिर ये क्यों नहीं बनने आ रही। सीमेंट नहीं है भाई, मैं सीमेंट ही बनवा लेता हूँ। एक सेकंड पहले मेरे को मैप में देखने दो कितने कितने लेवल के बनने हैं, उन हिसाब से मैं सिंपल वाली बनवाऊं। 31 लेवल का, इस पे गीगा स्फीयर फेंक के काम चल जाएगा क्या। बाकी मेरे पास 44 हाइपर स्फीयर्स हैं तो ठीक है यार काम चल जाना चाहिए, मैं नॉर्मल स्फीयर्स बनवा लेता हूँ। मैंने 40 मेगा स्फीयर्स बनवा लिए हैं इन टोटल। अभी मेरे पास है 192 पाल स्फीयर जो किसी काम की नहीं है, 6 मेगा स्फीयर जो मैं यूज नहीं करूंगा, गीगा स्फीयर्स हैं 61 और हाइपर स्फीयर्स हैं 44। तो मेरे जातक का प्रिपरेशन पूरी है कि मैं 2-4 पाल्स को डायरेक्ट निपटाया हूं बिना किसी रोक टोक के। लेट्स गो, देखी जाएगी जो होगा। बट नहीं यार देखी जाएगी, उससे पहले थोड़ा खाना ले लूं, खाने की कमी पड़ जाती है हर बार। अभी गाइस मैं जा रहा हूं एलिजा बी से लड़ने, तो इसके लिए मुझे जाना होगा सामने की तरफ। आ जा मेरे उड़न खटोले। गाइस वो कहाँ है एलिजा बी, अरे फिर गुस्सा हो गया। ओके शायद वो नीचे मिल जाएगी। अरे सब जगह से गुस्सा क्यों होते जा रहे हो भैया, मैंने क्या बिगाड़ दिया किसी। यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ। गाइस एलिजा बी मिल क्यों नहीं रही है, इधर ही तो है। अभी इसको भी ढूंढना पड़ेगा क्या गुफा गुफा में, यहाँ शो कर रही है ये देखो सामने, बट वो है ही नहीं सामने। गाइस सारे रास्ते देख लेते हैं यहाँ के। ओके माइनशाफ्ट मिल गई मेरे को गाइस, ये वाली माइनशाफ्ट चाहिए थी। ये टावर से भी दूर है और उससे भी दूर है, यही है गाइस।
मैं इसे उतर रहा हूँ डायरेक्ट। गाइस मैं आ गया हूँ एलिजा बी के पास। हेलो, अपनी तो नहीं है, खैर अपनी हो जाएगी अभी, रुको एक सेकंड। बाकी मैं पेट सही लाया हूँ कि नहीं लाया पता नहीं भाई, मैंने रद्दी कर दिया भाई सारी चीज को। जो पहले पेट कॉम्बिनेशन थे वो बढ़िया थे। बाकी ये एलिजा बी शायद ग्राउंड टाइप है, कौन सी टाइप है ये भी नहीं पता मेरे को। तो अभी मैं जाता तो जा रहा हूँ, मिल गई है मेरे को, और अंदर इसके तीन गार्ड्स भी हैं, तो कौन अटैक झेल लेगा यार। अपन मेहमत नहीं लाए भाई, मेहमत झेल लेता इसके अटैक एक बार के लिए तो। ओके, इसको भेजते हैं एक बार। यार अंधेरा भी तो बहुत है, लड़ाई करा दी है मैंने। बाकी फूट गई क्या वो? नहीं नहीं अभी अभी फूटेंगी, वो फूटेंगी, सारी फूट गई है शायद, सारी फूट गई है। वी गार्ड बची है क्या? व्हाट इज हैपनिंग ब्रो? ओके क्या हो गया ब्रो, खत्म हो गई ना तेरी बी सारी? रॉबिन क्विल काम दिखा चल, अभी मैं थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर लूंगा। नाइस, भूसी से करा इसका। अरे मार दूंगा यार, मेरे को नहीं लड़ना इससे, मेरे को नहीं लड़ना, मतलब ये लड़ेंगे, लेके तो जाऊंगा उसको। एचपी रिकवर करो ब्रो, सारे एचपी रिकवर करो। क्या 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 कर रहा हूं, मेरे को नहीं चलानी गन, पता नहीं लाया तो हूं नहीं मैं एमो। मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, खत्म होने वाला है ये। एक बॉल मार देता हूँ, क्या पता आ जाए। तिमाता फोडी गाइज, अपना एलिजा बी अपने पास आ गया, लेट्स गो, यहाँ का काम खत्म। ओके गाइज, मैं अपने सारे पेट्स बचा के ले आया हूँ और एक ही स्फीयर में मैंने इसको पकड़ लिया है। और ये देखो, मैंने बोला था ना इसको मैंने देखा कहीं ना कहीं, तो और ये मेरे पास है इस टाइम पे, तो छोड़ो इसको, छोड़ो अभी मैं देखता हूँ मैप में। इसको मैंने खत्म कर दिया है। ओके, अपने को बिल्कुल सामने अपनी ईगल मिलेगी अभी। ओके, ये भी 30 लेवल का, इसके पास जा रहा हूँ। 30 लेवल के सारे खत्म कर दूंगा मैं, छोटे मोटे लोग हैं मेरे लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हाँ, मजाक करता रहता हूँ, मजाक को सीरियसली मत लिया करो, सामने ही है मेरे। मैं शान पट्टी में जा तो रहा हूँ भग भग के, खाना खिला दिया मैंने सबको, सबकी एचपी फुल है, लेट्स गो। ओ क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं, ऐसे ऐसे कराना। थोड़ा 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 सा याद था, मतलब दिमाग में है बट ध्यान नहीं आ रहा क्या है। तातिया बिच्छू लगी गई रे, हट जाओ। ओके, हेडशॉट, हेडशॉट नहीं पड़ता क्या इसके? सारी गोलियां खत्म कर दूंगा। ए मुझे मत मार, बोल रहा हूं मैं तेरे को। हाँ मुझे मारा ना, मैं मार दूंगा तेरे को। अरे नहीं, भग क्यों नहीं रहा, साला बावड़ा है क्या? ऊपर से भाइट देखूंगा मैं तो। गाइस नाम कमेंट्स में बताओ, क्या बोलते हैं इसको कमेंट्स में जरूर बताना, इसका नाम बताना। अभी अभी लिख के आओ, अभी लिख के आओ, अभी रॉबिन को ही छोड़ेगा मैं तेरे को। मार मुराई देगा पते। ब्रो यू आर माई बेस्टी, मैं जा रहा हूँ उड़के, मुझे मत। बच्चो भाई बच्चो, इनसे बचो, इनसे बचो। अब सोचने तो कहाँ जाना है गाइस, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट 38 लेवल वाले बंदे से लड़ने, क्योंकि ये सारे 30 लेवल के थे और 30 लेवल का तो मैं भी हो गया हूँ। ओके गाइस, लगभग मैंने सबकी एचपी रिकवर कर ली है, मैं जा रहा हूँ फटाफट से। सबसे पहले ये लो, मैंने रॉबिन क्विल छोड़ दिया, भागो यहाँ से, भागो, इसके फटाके फूटेंगे। ओके कर दी भाई, 2700 की एचपी कर दी यार। छोड़ो नीचे उतरने दो मेरे को, ये ले, ये करेगा अटैक। मैंने ध्यान ही नहीं दिया अपना, रिलैक्सोसॉरस मरने वाला था। गाइस मेरे को लगता नहीं इसको अपन पकड़ पाएंगे, 1800 की एचपी है। मैंने बॉल ये वैसे वेस्ट करी है खैर, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ, सारे पेट्स खुद ही कवर करके लाऊंगा आपकी बारी। मेरे फ्रीजर में क्या कर रहा है, साढ़े ठंडक पहुंचा रही है क्या फ्रीजर को? गाइस टाइम देखो इनका, टाइम 7:31 से साहब। गाइस इनको लेके मैं सो जाता हूँ, शायद ही जल्दी जल्दी रिकवर होंगे। ये देखो तीन तो रिकवर हो चुके हैं पूरे पूरे। यहाँ पे खाना बना पड़ा है बहुत सारा, इंगट्स बने पड़े हैं बहुत सारे, बाकी मुझे बनानी थी एमओ। एमओ के लिए मेरे पास नहीं है गन पाउडर। गन पाउडर फार्म भी बनता है क्या? वो भी बनवा देंगे बाद में, कभी देखेंगे सोचेंगे। उससे पहले अगर मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ तो अपग्रेड कर लेता हूँ। अपग्रेड हो गया, इसको अपग्रेड करके देखें। ओके, एक अटैक दो अटैक बढ़ा सकते हैं इसका, 480 499 512 का अटैक हो गया इसका। डिफेंस भी बढ़ा देते हैं इसका, 300 का डिफेंस। गाइस बहुत सही चीज है। अभी गाइस मुझे मैप में देखने दो, मैंने दो पेट्स खत्म कर दिए, एक वो शायद ये और एक ये। ओके ये अपने पास आ गए, अच्छा इनको भी तो लेके जा सकते हैं। 30
8 लेवल ये क्यों? अरे यार मैंने इनकी वो बढ़ा दी 512 की इसकी कर दी, क्या मतलब था उसका करने का? गाइस एक सेकंड मैप में देखने, तो ये कौन से टाइप का है बंदा? ये शायद ग्राउंड टाइप का लग रहा है, हरा हरा सा है। और अपने ये दोनों ग्राउंड टाइप है, तो अपन एक तो अपना ये बेबलेट लेके चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स गो। बगल में वो है 38 लेवल का, ओके ये 35 लेवल का मेरे पास, और ग्राउंड टाइप ये, बहुत सही गैस किया था मैंने। लो ग्राउंड टाइप वर्सेस ग्राउंड टाइप कराते हैं, देखते हैं क्या जोर है भाई। कुछ जोर मुझे लग नहीं रहा, 2600 का इसका है एचपी, इससे अच्छे अच्छे मारा है मैं। अरे उल्ले उल्ले मर गया मैं। अरे भैया क्या हो गया भैया, इतना गुस्से में क्या हो भैया? गलत आदमी को लिया है ये मोटा, बीटल बीटल बोलते हैं इसे, बीटल। ओके बाकी ये बहुत गंदा मर रहा है, इनकी फाइट दे तुम गाइस। भाई ये मेरा गाइस टॉर्च मार के आऊंगा, रुको। ओके गाइस जल गई भाई की, जल गई भाई की, जल गई। साढ़े मार, साढ़े बहुत बहुत नटक रहा है। मेरी स्पीयर खतरा खराब करा दी भाई, अभी तक वैसे खराब नहीं हुई है, टूट के इन जैसे चिरांद ने फेंक के खराब करवा दी भाई। ना ना पकड़ लिया, इधर के सारे खत्म। तेरे जैसे ना बथेरे पड़े मेरे पास, बथेरे। ये ले मारियो जाके इसको, अरे चिरांद से इसको मारी, इसको। गाइस इससे पहले ही उड़ गया था, अगर इस बार भी उड़ गया ना ये आदमी, इसको कभी नहीं पकड़ूंगा। अरे रे साले मोटे जानवर, इसका वो देखूं मैं, कैचिंग पावर, कैचिंग पावर कितनी है इसकी। एक और ए पड़ी पड़ी, दो मार दी। ओए अबे ये क्या ग्लिच है? निकल गया। लड़ने वाले पैट छोड़ता हूँ। गाइस भैया जी की सिर्फ 500 की एचपी बची है, बॉल फेंक के देखता हूँ आ जाए तो बढ़िया है, वरना तो और लड़ने को छोड़ देंगे। अरे लड़ भाई लड़, मारियो इसको साड़े को। ये लगी गाइस स्पीयर फेंकता हूँ इस आदमी के ऊपर, आदमी खतरनाक लग रहा भैया। 100 की एचपी बची है, अब क्या चाहिए तेरे को? मैं तो देख ही नहीं इसकी 100 की एचपी बची है, अब क्या जान ले लेगा भाई? 45 की एचपी, सीरियसली गदा प्रसाद। बॉस पहला गया मैं, मत मॉन्स्टर का। अब अपन आगे डायरेक्ट घर पे उतार दे भाई। अभी अपने को किसी को मारना चाहिए कि नहीं? ओके गाइस तो अभी मैं इन तीनों को खत्म करने जाने वाला हूँ, लेट्स गो। भैया रुक जाओ मेरे को चले जान दो यहाँ। ओके गाइस अपन यहाँ आ गए, यूवर नाम है भाई का। ओके फिनिश गाइज मैंने 90 पाल्स मार दिए, ऐसा स्ट्रीम की साइड से मैसेज आया। इधर का काम भी खत्म, अपन आ गए यहाँ पे, जल्दी से चलते हैं अंदर, लड़ा दिया जाए। 2000 की एचपी, तेरे लेवल की चीज छोड़ी मैंने इस बार, आ जा कर दे। ऐस तेरी, अब तो बिना मारी पकड़ के लेके जाऊंगा साड़ी को। अबे मेरी इतनी सारी हाइपर स्पीयर वेस्ट करा दी यार, तोड़ क्यों दे रही है बॉलों को? ये पड़ी बॉल वेस्ट कराने में लगी भाई, इसने जितनी बॉल वेस्ट कराई है ना, पकड़ लिया इसको। बट ओके अभी मेरे को मैप में जाना है बिल्कुल पीछे की साइड। ओके गाइज ये रहा बॉस नाइटविंग, और भाई से लड़ जाओ भैया लड़ जाओ। ये गाइज ये पड़ा अटैक एक बार में ढेर, ये नहीं सोचा था भैया हमने नाइटविंग, भैया हमको पता था तुम थोड़े से कमजोर हो, ऐसे वेस्ट कराएगा क्या? अभी ठीक है, बकवास नहीं यार, ऐसी बकवास नहीं भाई। लेवल अप हो गई गाइज, भाई खुशी तो लेवल अप होने की हो रही है। पिक एक्स एंड हेलमेट, ये क्या है? बाकी मेटल स्ट्रक्चर सेट आया है, फाइन बेड आया अभी तो, हाई फाई बेड आने बाकी है। होमवर्ड टेरा क्लाउड सिंगल शॉट स्फीयर लॉन्चर, ये पहाड़ टॉप के जाने वाला हूँ मैं, लेट्स गो। ओके अपन बैम्बू ग्रुप्स में आ गए। ओके एक ईगल मिल गई अपने को, ओ मैं मत भैया क्या हुआ। ओके अपने को जाना है सामने, गाइस रात हो गई है तो पहले तुम इसी से लड़ लो, उसको तो छोड़ो, खत्म करो दो फाइट में, खत्म करो, दो हाथ का आदमी है। ओके अरे नहीं हो रहा भाई खत्म तुझसे। ओके चल ब्रो ये रहा जा,
भाई रात में फाइट करेंगे क्योंकि घर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके लेट्स गो, फाइट हो चुकी है। बंदा इलेक्ट्रिक वाला है, अपन ने छोड़ रखा है भूतिया डार्क वाला, शायद डार्क बोलते हैं इसको, डार्क 1000 से कम की एचपी होने देते हैं। इसकी गुद्दी में बजा के हैं इसकी भी। 30 लेवल का यार, इस पे थोड़ी रैम खानी चाहिए, इस पे बड़ी वाली स्पीयर छोड़नी चाहिए अपने को। मारो मारो मारो, अबे क्यों भाई, निकलो निकलो यहाँ से निकलो। ओके गाइस रात में देखो कितने सारे वो चमक रहे हरे वाले। ओके लेट्स गो होम स्वीट होम। तो गाइस मैंने मार दिए हैं यहाँ के भी चारों बंदे, एक अब बीच में ये बच गया है 45 लेवल का, और एक है ये 25 लेवल का ही, ये तो नॉर्मल ही है, और एक ये भी अनलॉक हो रखा है स्वीपा 11 लेवल का, छोड़ो इसको। बाकी गाइस मैंने सारे लोग मार दिए हैं, ऐसा कुछ है टेक्नोलॉजी में से कुछ तो अनलॉक हुआ था, वो देखते हैं अगर बन जाए तो। एक गाइस अपने को ये बनाना था पाल एनहेंस कंडेंसर, फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ बनवा देता हूँ, किस काम का है मुझे तो ये भी नहीं पता, कहाँ बनवाऊ, यहाँ रखवा देते हैं, ये बहुत सब काम करने आ गए सब। ओके फाइनली ये बन गया और रेड आ गई भाई, मेरे को देखना था किस काम आता। सिलेक्ट बेस पाल, ओके इसको छोड़ो एक सेकंड, कुछ अच्छे पैट सारे मुझे ऐसा दिख रहा है, इसको देखेंगे अगले एपिसोड में। ये पैट चाहिए मेरे को, ये पैट चाहिए मेरे को मारियो, ये पैट चाहिए यार, वो खत्म कर देंगे भाई, वहां मत जाओ। कौन सा पैट आ रहा है कौन सा नहीं, क्या पता भाई, आया क्या कोई सा, प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ। ओके 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 जो चाहिए था वो आ गया, जो चाहिए था वो आ गया, दो दो आ गए, बाकी इतना अंधेरा क्यों है। अच्छा मुझे कुछ तो डार्कनेस पॉइजन दे रखा है, रुक जाओ बस कर जाओ, हो गया ना ठीक है। अच्छा नहीं सामने की साइड अटके पड़े क्या, ये क्या शो कर रहा है गाइस। ओके एक जना कहीं अटक गया होगा यार, इनमें बुद्धि भी तो नहीं होती है। ओह ये कुछ अलग है, ये अलग है और जिसको पकड़ा वो अलग है गाइस, ये चाहिए मेरे को, मार इसको। ओके कुछ नए नए पेट्स और आ गए गाइस, भले रेड में से ही हूँ। ओके अभी इससे फाइट करेगा, इसकी फाइट देखते हैं, मैं पकड़ लूँ मेगा स्फीयर, हाइपर स्फीयर इतनी सारी वेस्ट कर दी ना मैंने फालतू की, आ जा यार प्लीज आ जा यार। ओके डन गाइस, ये भी आ गया है, ये भी कुछ तो नया था, बेस पे चलते हैं और देखते हैं। गाइस आज मैंने इतने सारे पाल्स पकड़ लिए है ना, 342 का अटैक है और 427 का अटैक है, ये डार्क वाला बंदा है, ये फायर और डार्क मिक्स है क्या। ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने मैक्सिमम सारे बॉस पाल्स पकड़ लिए हैं, जितने भी अपने मैप में खुले हुए थे, जितने भी एक्सप्लोर थे। बाकी गाइस तुम्हें मजा आ गया मुझे पता है, तो तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब के लिए बाय।